अपने पूरे बोल दिता उसी किन्ने पैसे दिते नो कोई तीस तूस नहीं है 10 रुपये लेने लो नहीं तो अपने घर में बैठो 10 रुपये 10 इसकी होगी 10 इसकी 20 होगी और ये 3 हो गए चार के चार कितने पैसे अभी 60 बोल रहे थे आप अभी आपने 60 ये बोलता 60 रुपये दिए इसे मैं टाइपिंग के साथ 30 रुपये लिए इसे किसके किस 30 रुपये देता 20 रुपये क्यों सारे क्यों देंगे दें सारे यहाँ का 3 रुपये लेते मेरे को नहीं जनाब ऐसे कर दिए सारे देते 10 रुपये तो ले लो जनाब ऑनलाइन है सारा कुछ नहीं कुछ भी आप रेट ले लो ये नहीं होता 200-250 रुपये लोग उसे ईंट रहे हो जमुना पेपर अन्य बंदा नहीं नहीं बंदा नहीं रखो ना कोई और कम करो फिर अगर 12 नहीं खाता था ठीक है सर 3 रुपये का थोड़ी है एक पेज 3 रुपये का देके नहीं सर मैं नहीं लेते 3 रुपये तो ये आके कर फिर भी हो गई जाओ रिलेटिव मेरे कने कोई बात नहीं मैं सोचता हूं कि बेरोजगार लोग हैं करे काम बट बेरोजगारी का ये मतलब नहीं है कि 10 रुपये का कागज आप 30-30 रुपये में दो लो हम काम लोगों का बिल्कुल नहीं रोकते हैं स्मूथली काम चल रहा है बट आप लोगों की वजह से बदनामी हमारी होती है थोड़ा सा 10 बेचे 15 बेचा सर नहीं बेचो ना नहीं बेचो सबसे पहले मैं अपने मीडिया बंधुओं का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपको यहाँ पे हमने स्पेशली बुलाया आप को बुलाने का कारण ये था कि हमारे केबल जी एक सोशल वर्कर भी हैं इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया में चढ़ी और इन्होंने किसी बंदे को बैठा के पूछा कि एक एफिडेविट और एप्लीकेशन के कुछ एक्स्ट्रा काफ़ी पैसे चार्ज किए हुए थे किसी वूमेन से जो ही वो हमारे नायब तहसीलदार साहब सलीम साहब इन्होंने मुझे जहाँ पर बताया कि सर ये देखो हालात तो उसी वक्त हमारे पास एफिडेविट अटेस्ट करने के लिए कुछ लोग आए तो हमने उस चीज़ को क्रॉस चेक किया और पाया गया कि जो इन्होंने वो एक सोशल मीडिया में एक वो चढ़ाई थी पोस्ट वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी निकली जो लोग जहाँ पे हमने बुलाए जिन्होंने एक्स्ट्रा चार्जेस किए उनको यहाँ पे हमने स्कॉल्ड किया अच्छी तरह से और उनको कहा वार्निंग दी है हालांकि बनता ये था कि मैं उनको यहाँ से प्रमिसेस से बाहर निकालता लेकिन फिर इन्होंने भी केबल जी ने भी कहा नहीं एक दफ़ा इनको वार्निंग दे के छोड़ दो अगर दोबारा ये करेंगे तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा ये जो भी ये स्टैम्प वेंडर्स और ये एप्लीकेशन लिखने का काम करते हैं उनको मैं कड़ी वार्निंग देता हूँ कि ये 10 रुपये का है इसको 30 रुपये का वो नहीं बेच सकते ये 10 रुपये का ही रहेगा एक एप्लीकेशन है ये 10 रुपये की होगी इसको जो लिखते हैं इसके 10 से ज़्यादा पैसे नहीं चार्ज किए जाएँ अगर किसी को ये प्रोफेशन प्रॉफिटेबल नहीं लगता तो वो इसको ना करें कोई और काम करें ये मैं एक कड़ी वार्निंग आपके माध्यम से इनको सभी को देना चाहूँगा आज के बाद जो भी हमारे नोटिस में ऐसी चीज़ आएगी उनको ना ही हम सील के प्रमिसेस के अंदर बैठने देंगे और सील के बाहर भी कहीं भी उनकी जहाँ पे कोई दुकान होगी उनके खिलाफ़ भी सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी सील के प्रमिसेस के अंदर बैठे हुए हैं हमने इनको जहाँ पे बिठाया हुआ है जहाँ पे मैं इनको रिकमेंड मैं या मेरे प्रेडिसेसर कोई भी तहसीलदार साहब ने या कुछ मैंने भी जहाँ से जो भी हमारे पास कोई फाइल आई तो हमने रिकमेंड किया वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब को कि ठीक है इनको स्टैम्प वेंडर का लाइसेंस दिया जाए इधर स्पेस अवेलेबल है वो क्यों किया गया ठीक है लोग बेरोजगार हैं कोई लड़के बच्चे हमारे भाई बुजुर्ग कोई काम करना चाहते हैं बैठे काम करें हालांकि हमारी इधर ट्रैफिक की भी कंजेशन होती है हम उसको भी झील लेते हैं कि चलो यार काम कर रहे हैं लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को यहाँ लूटे वो इसलिए दोबारा अगर यहाँ पर पाए गए तो यहाँ से तो उनको हम निकालेंगे ही उनके खिलाफ़ FIR भी होगी और जो बाहर भी कहीं ये एक्स्ट्रा चार्जेस ओवर चार्जिंग करेंगे उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी धन्यवाद।